नमस्कार साथियों, फिर से आपके सामने लेके प्रस्तुत हूँ जीडीपी 5 का पंच। चलिए आज के प्रश्न शुरू करते हैं। छठा प्रश्न देखते हैं। गिफ्टेडनेस इन चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू, बच्चों में प्रतिभाशालता डैश के कारण होता है। अ रिसोर्स रिच एनवायरनमेंट, ये एक ऑप्शन है। एक संसाधन समृद्ध वातावरण, ये सही है। सक्सेसफुल पेरेंट, ये भी एक समृद्ध वातावरण को देता है। सफल माता पिता, ये भी ठीक है। अ डिसिप्लिन रूटीन, ये हमारे पास बहुत अच्छा उत्तर नहीं है। एक अनुशासित दिनचर्या, अनुशासित की जगह हम एक क्रिएटिव, एक लचीली फ्लेक्सिबल दिनचर्या की बात करते हैं, तो इसलिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अनुवांशिकता और वातावरण के बीच अंतर करिए, ये भी ठीक है। इंटरप्ले बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, तो अगर हम देखें तो पहला बात कर रहा है एनवायरमेंट का, दूसरा बात कर रहा है पेरेंट्स यानी हेरिडिटी का। एक संसाधन समृद्ध वातावरण की, दूसरी बात कर रहा है माता पिता। ये दोनों ही ऑप्शन हमारे, ये भी इसमें सम्मिलित है और ये भी इसमें सम्मिलित है। वातावरण भी इसके अंतर्गत है और माता पिता भी इसके अंतर्गत है, इसीलिए यहाँ उत्तर चौथा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चिल्ड्रन कमिंग फ्रॉम सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज बैकग्राउंड नीड अ क्लासरूम एनवायरमेंट। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों के कक्षा के माहौल की आवश्यकता। तो यहां पर गरीब जो बच्चे हैं जिनको हम EWS कैटेगरी में एडमिशन देते हैं, वहां उन बच्चों की बात कर रहे हैं। जब भी सोशली इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस की बात की गई हो, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचितता की बात की गई, तो यानी गरीब बच्चों की या EWS इकोनॉमिकली वीकल सेक्शन बच्चों की बात की गई है। तो वैल्यूज एंड यूजेस देयर कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक नॉलेज, ये बिल्कुल सही कथन है। उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देना है तथा उनका उपयोग करना है, ये बिल्कुल सही कथन है। बाकी कथनों को भी देख लेते हैं। डिस्करेजेस द यूज ऑफ लैंग्वेज, ये गलत है। उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करना है मुख्य धारा की भाषा सीखने के लिए, बिल्कुल गलत कथन है। हमें हमेशा उनको सम्मान भी देना है, मूल्य भी देना है और उनकी भाषा का प्रयोग भी करना है। कैटेगराइजेस चिल्ड्रन, बच्चों की क्षमताओं के आधार पर वर्गीकरण, वर्गीकरण गलत है क्योंकि हमें अब समावेशन करना है, वर्गीकरण नहीं करना है। टीचर्स देम गुड बिहेवियर, अच्छे व्यवहार सिखाता है, ये फिर से एक अच्छा कथन नहीं है क्योंकि उनका व्यवहार कैसा है इनकी जांच करे बिना हम कैसे उनके व्यवहार को अच्छा या खराब कहने की संकल्पना देखेंगे, तो इसीलिए कथन भी गलत है। तो यहाँ पे उत्तर हमारा पहला हुआ। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। The intervention needed for creative and talented children in the classroom rest on, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। Giving extra time to them, उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने के लिए। Being affectionate towards them, उनके प्रति स्नेही होने के नाते। गिविंग देम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचिंग अदर चिल्ड्रन, उन्हें अन्य पक्षों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने के लिए। यूज ऑफ कस्टमाइज इन स्टिमुलेटिंग इंस्ट्रक्शनल मेथड बाय द टीचर, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग। तो यहाँ पर हम अगर सबसे स्पष्ट देखें तो पहला अतिरिक्त समय, स्नेही होना या जिम्मेदारी देना, ये तीनों ही इसमें आ जाएंगे। शिक्षक द्वारा अनुकूलन, कस्टमाइजेशन बाय द टीचर, ये तीनों ही चौथे कथन में सम्मिलित है। यानी चौथा कथन किस चीज को इंगित करता है, ये कथन इंगित करता है किसको, इंडिविजुअलाइज लर्निंग। ये व्यक्तिक अधिगम को चिन्हित करता है, बताता है। तो जब भी हम प्रतिभाशाली या फिर हम सृजनात्मक अधिगम की बात करें तो हमें व्यक्तिक अधिगम देना है, जो हमें चौथे ऑप्शन में दिखता है, इसीलिए चौथा ऑप्शन इसमें सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर से एक विशिष्ट बालक के ऊपर प्रश्न है। विच वन द फॉलोइंग वेज इज नॉट अ सूटेबल,
टू हेल्प हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन। यहाँ नॉट पूछा गया है अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है पूछा गया है। ऑफरिंग अल्टरनेटिव वेज ऑफ लर्निंग, ये सही कथन है, इन्हें दिया जाना चाहिए। अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, ये ठीक है। दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश, ये भी ठीक है। इंक्लूडिंग फिजिकल एक्टिविटी इन देयर डेली शेड्यूल, ये कथन ठीक है। रीप्राइमेंडिंग देम ऑफन फॉर बीइंग रेस्टलेस, ये बिल्कुल गलत कथन है। बेचैन होने पर उन्हें अक्सर फटकार लगाना, ये एक गलत कथन है। ब्रेकिंग अप अ टास्क इनटू स्मॉल मैनेजेबल सेगमेंट्स, एक कार्य को छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना, ये भी सही कथन है। क्योंकि यहाँ पर नॉट अ सूटेबल पूछा है, तरीका नहीं है पूछा है, इसलिए उत्तर तीसरा होगा। यू शुड नॉट रिप्रिमेंड देम, हमें उन्हें फटकार नहीं लगानी चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पैटर्न्स ऑफ डाइवर्जेंट, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान कर। डिस्लेक्सिव, क्रिएटिव, रिसाइलेंट, डीले, डिसेबल, डिस्लेक्सिक, सृजनात्मक, प्रतिस्थाई या विकलांग। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग बेसिस है किसका? क्रिएटिविटी। ये क्रिएटिविटी का हमारे आधार है, यानी सृजनात्मकता का आधार है। तो सृजनात्मकता का मूलभूत चिंतन, फंडामेंटल थिंकिंग ऑफ क्रिएटिविटी है डाइवर्जेंट थिंकिंग, हमारी अलग अलग सोच वाले पैटर्न। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग के लिए एक और हिंदी प्रयोग की जाती है इस थिंकिंग के लिए, ये हिंदी है, क्या है हमारी? अपसारी चिंतन या अपसृत चिंतन। ये सब डाइवर्जेंट थिंकिंग के लिए, और ये मूल चिंतन है सृजनात्मकता का, इसलिए यहां आंसर होगा क्रिएटिव सृजनात्मकता। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को ये प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। जल्द ही अगले वीडियोस लेकर मैं फिर से आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तो सब लोग जो मुझे देख रहे थे, उन सभी का धन्यवाद। फिर मिलते हैं दोस्तों, नमस्कार।